मुश्किल में कुरान आया, आसानी में कुरान आया,
और जैसे जैसे कुरान मजीद आता रहा सहाबा इकराम के दिलों को राह मजबूत करता रहा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब कुरान मजीद को लेकर नाजिल होते हैं, तशरीफ लाते हैं, कुरान मजीद को लेकर दुनिया की तरफ सफ़र करते हैं, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के लेके आने वाली हर आयत का, हर जिब्राइल अलैहिस्सलाम के उस आने और जाने का जो प्रोटोकॉल और एहतमाम वो ये था कि 70,000 फरिश्ते हजरत जिब्राइल के आगे चलते हैं, 70,000 फरिश्ते हजरत जिब्राइल के पीछे, 70,000 फरिश्ते दाएं, 70,000 फरिश्ते बाएं, और जिब्राइल अमीन इस शान के साथ कहाँ जा रहे हैं, कुरान मजीद को लेकर मुस्तफ़ा करीम के कलबे अनवर तक जा रहे हैं। हालांकि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तन्हा इतने ताकतवर हैं, अगर अल्लाह ताला उन्हें चाहते तो एक आयत करीमा देकर रवाना करते या सारा कुरान देकर रवाना करते, दरमियान में किसी जिन और शैतान की ये मजाल नहीं थी कि वो ज़बर ज़ेर की, हर्फ की, आयत की थोड़ी बहुत गलती का शायबा भी पैदा हो, मुमकिन नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को इस अजमत के साथ नाजिल किया, और जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलबे अनवर पर कुरान मजीद नाजिल हो रहा था तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कलबे अनवर पर कुरान मजीद का आना तीन तरह से था। एक तो ये कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक घंटी बजने जैसी आवाज़ सुनाई देती, और ये एक कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम हज़रत जिब्राइल इंसान की शक्ल में सामने आ जाए और जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू करें वो अल्लाह की तरफ से पैगाम है, और तीसरा ये कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलबे अनवर पर उस पूरी चीज़ को गोया महफूज कर दिया जाए, और वही की कैफियत मुकम्मल होने के बाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कल्ब और जिगर में महफूज होने वाली उन आयात को सुना दें। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर जब वही आती तो कैसे आती, सहाबा इकराम बयान करते हैं अगर हुजूर ऊँट पर सवार होते वही का बोझ इतना होता कि ऊँटनी चलने के काबिल नहीं रहती थी, अगर हुजूर सवारी में सवार है और वही आ गई तो सवारी बैठ जाती, और अगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त सर्दी में जिब्राइल वही लेके आते तो हुजूर अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारक पर इतना पसीना नफदार होता कि पेशानी से मोतियों की तरह कतरे पसीने के बहकर ज़मीन पर गिर जाते। पैगंबर अलैहिस्सलाम के एक सहाबी बयान करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल हुई इस हाल में कि मेरी टांग हुज़ूर अलैहिस्सलाम की टांग के रान के नीचे थी, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर जब वही के आसार नुमाया हुए हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक इतना वज़नी हुआ कि मुझे लगा कि मेरी टांग टूट जाएगी, रेजा रेजा हो जाएगी। ये कुरान मजीद जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कलबे अनवर पर नाजिल हुआ, एक तफसीर के मुताबिक इन्ना अरज़नल अमानत अलस्समावात वल अर्द वल जिबाल फअबैन अन यहमिलनहा वअशफक़न मिनहा वहमलहा अल इंसान, इस आयत करीमा की तफसीर के मुताबिक अगर ये कुरान मजीद नाजिल होता पहाड़ों पर तो वो रेजा रेजा हो जाते, अगर वो नाजिल होता जमीन के किसी हिस्से पर तो वो इसको सहने की ताकत न रखती, अगर ये नाजिल हो जाता समंदर पर तो समंदर उठाने की पोजीशन में नहीं था, आसमानों में रखा जाता तो वो अपनी जगह पर ठहर न सकते। इतना बड़ा बोझ जो ज़मीन और आसमान उठाने की काबिलियत न रखते हो मुस्तफ़ा करीम ने अपने दिल पे उसको उठाया, मुस्तफ़ा करीम ने अपने कल्बे अनवर पे उसको उठाया, अपने जिस्म अज़हर पे उसको उठाया। कुरान मजीद का हर हर्फ हर आयत दर हकीकत मेरे नबी की रहमत है, और वो रहमत कैसे है और भी बहुत सी बातें इस पर हो सकती हैं, लेकिन वो इस तौर पर रहमत है कि जब कुरान आया तो पहाड़ नहीं उठा सकते थे, ज़मीन व आसमान नहीं उठा सकते थे, समंदर और दरिया नहीं उठा सकते थे, लेकिन मेरे मदनी आका करीम पर जब कुरान मजीद आने के बाद हुजूर की रहमत वाली ज़बान से निकला, हुजूर की रहमत वाली ज़बान से निकलने की बरकत से अल्लाह ने उसको इतना खफीफ कर दिया, इतना आसान और हल्का फुल्का कर दिया कि आने से पहले तो पहाड़ नहीं उठा सकते थे, हुजूर की ज़बान अक़दस से निकलने के बाद 7 साल का बच्चा उठाया हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलबे अनवर पर। कुरान मजीद
थोड़ी देर पहले मैंने कुरान मजीद की एक हिस्से की तिलावत की, सिबगत अल्लाह वमन अहसन मिन अल्लाह सिबगा वनहनु लहू आबिदून। आपने सुना, आपने सुन लिया, बच्चों ने सुना, तो सुनने के बाद इन्होंने पढ़ दिया, मैंने पढ़ा, इन्होंने सुना, फिर इन्होंने पढ़ा, मैंने सुना, मैंने पढ़ा, आपने भी सुना, लेकिन जब पढ़ने के बाद मुझे सुनने की बारी आई तो आपने भी सुना, मैंने भी सुना, दोबारा पढ़ने का एहसास सिर्फ इन बच्चों को हासिल हुआ। अब हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम कुरान मजीद देकर नाज़िल होते हैं। अव्वल अव्वल इंसानों में जिसने जिब्राइल अलैहि सलाम से लेकर कुरान मजीद को तिलावत किया उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं, और अव्वल अव्वल जिन कानों में मुस्तफ़ा की ज़बान से कुरान सुना उनको सहाबा इकराम कहते हैं। अव्वल कुरान मजीद की तिलावत इंसानों में अगर किसी ने की है तो वो अव्वल मुस्तफ़ा करीम आका मदनी ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने की है, और अव्वल हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कुरान मजीद को सुनने वालों को सहाबा कहा जाता है। और हुज़ूर अलैहि सलाम जब कुरान मजीद नाज़िल होता हुज़ूर साथ साथ पढ़ते, इतनी बड़ी अमानत है, लौहे महफूज से अल्लाह का कलाम आ रहा है, लाने वाले जिब्राइल हैं और पैगंबर अलैहि सलाम उसको जिब्राइल अलैहि सलाम के साथ साथ पढ़ते, मुबादा ऐसा हो कि जिब्राइल कुरान लेकर आए और मैं बाद में महफूज करने से रह जाऊँ और कोई आयत मुझसे रह जाए मैं भूल जाऊँ, तो हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम पढ़ते तो हुज़ूर अलैहि सलाम साथ साथ तिलावत करते, तो हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम हुज़ूर अलैहि सलाम के क़ल्बे अनवर पर कुरान मजीद की ये आयत करीमा भी लेकर नाज़िल हुए, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही। आपकी परेशानी और फिक्र से अपनी ज़बान को साथ साथ दोहरा कर हरकत ना दें कि हो सकता है कि कुरान मजीद की कोई आयत आप भूल जाएं और आपके हाफजे में न रहे। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही, आप साथ साथ अपनी ज़बान को हरकत देते हुए जो परेशान होते हैं उसका रोकने के साथ साथ तसल्ली का जवाब भी दे दिया, इन्ना अलैना जमअहू व कुरआना, इसको नाजिल करना भी हमारे जिम्मे है, आपके दिलों में जमाना भी हमारे जिम्मे। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल, इन्ना अलैना जमअहू व कुरआना, हुज़ूर अलैहि सलाम की ज़बान अतहर कुरान मजीद को लेने के लिए हरकत करती है, लेकिन कुरान मजीद लोहे महफूज में पहले से रखा हुआ यहाँ आकर हुजूर को मुखातिब करके क्या कहता है, आप जबान को हरकत न दीजिए, आपके सीने में इसको जमाना, इसको उतारना, महफूज करना हमारे जिम्मे है। अब यहाँ एक थोड़ी सी बात को समझ लीजिए, ये जो हुजूर अलैहि सलाम ने साथ साथ पढ़ने की कोशिश की और इसको इसलिए बार बार पढ़ने की कोशिश की कहीं ऐसा ना हो कि मैं साथ ना दोहरा सकूं और कोई आयत रह जाए, ये कैफियत तो अभी अभी पैदा हुई है, लेकिन हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम ने उसका जो जवाब पैगंबर को इरशाद फरमाया ये कुरान मजीद है, ये जिब्राइल की बात नहीं है, ये सूरह क़यामा में आज भी कुरान मजीद में आयत करीमा मौजूद है। यहाँ से ये पता चला कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान मजीद को लेते वक्त ज़बान को हरकत देना भी कायनात के बनने से पहले से रब करीम को पता था। जब ये बात तय हो गई कि ये दाद हर रिक भी निशान का निता अजल अभी ये पुरानी आयत है, तय हो गया ये कुरान मजीद की आयत है, और हुजूर अलैहि सलाम ने कुरान मजीद लेते वक्त अपनी जबान को हरकत ही साथ साथ पढ़ा, जब आप ने जिब्राइल अपनी तरफ से बात कर देते ऐ मोहम्मद आका आप इस हवाले से परेशान ना हो, आप सिर्फ मुझसे सुन लिया करें, ये आपके दिल में महफूज रहेगा, तो और बात थी, लेकिन जवाब में कुरान की आयत का आना इस बात की दलील है कि हुजूर का साथ साथ पढ़ना, ये आसमान और ज़मीन बने नहीं थे रब के इल्म में मौजूद था, ये आसमान और ज़मीन की रौनकें अभी बनी रही थी रब के इल्म में मौजूद था, एक वक्त आएगा जब कुरान उतरेगा और मेरा मोहम्मद
उस कुरान मजीद को साथ साथ पढ़ने की कोशिश करेगा और उस वक्त उनको साथ साथ पढ़ने से रोकने के लिए मैं कुरान मजीद की यह आयत करीमा नाज़िल करूंगा। अब यहाँ तक अगर आप मेरे साथ आ गए तो फिर इससे अगली बात भी समझ लीजिए, कुरान मजीद के साथ साथ तिलावत करने से आका को रोका, आयत कुरान की है। अब कुरान मजीद को लिखने वाले लोग कौन से होंगे? ये मुस्तफा करीम की उस वक्त नजर का इंतखाब दुनिया को नजर आया, लेकिन अगर कुरान से पूछे तो कुरान कहता है बी आईदी सफरातिन किरामिन बरारा। कुरान मजीद लिखने वाले हाथों का इंतखाब भी उसी वक्त हो गया था जब कायनात नहीं बनी थी, अल्लाह का कुरान आया तो पाक पैगंबर के कलबे अनवर पर ये सीना पहले से चुना हुआ था। कुरान मजीद को लिखा सहाबा ने लिखा, इन हाथों को भी कायनात के बनाने से पहले चुना। ये कोई नई बात नहीं है भी आईदी सफरत किरामिन बरारा। अल्लाह ने उन हाथों की पाकीज़गी और तहारत को बयान किया जो कुरान लिखने वाले हाथ हैं। अब इसका कोई तर्जुमा ये तो नहीं कर सकता ना, वो जी गाल तक कली हत्था नहीं कीती है, गाल तक कली हत्था नहीं कीती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? इर्मी या साथ साथ तीर चलाओ, फिदा का अभी बहुमी मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, तीर चलाते रहो। वो तो तीर हाथ से साथ चला रहे थे, हाथ से तीर चला रहे। पैगंबर ने दुआ दी है और उससे अगली बार नेड़े की मसाल ला के समझा देना, गल सौखी हो जाएगी। एतमाद वाले बंदे तो मैसेज टाइप करवाते हो, बगाने तो तभी करवाते हैं। मैसेज टाइप करवाना हो कि जी लिखो मैसेज पीएम साहब वास्ते, लिखो मैसेज सीएम साहब वास्ते, लिखो मैसेज वजीर आजम के लिए, वजीर आला के लिए, लिखो दरख्वास्त चीफ जस्टिस वास्ते, लिखो दरख्वास्त फौज के जनरल वास्ते, जेदे ते एतमाद हो लिखवाई जाती है, बगाने बंदे तो नहीं लिखवाई जाती। जब तक एतमाद ना हो तब तक लिखने की जिम्मेदारी किसी को नहीं दी जाती। और अगली बात, मेरे बदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उम्मी हैं, उम्मी हैं, हुजूर पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन ये मेरे नबी का शान है। और बाकियों में अगर कोई बंदा आगे कहे कि मैं भी उम्मी हूं, ये सिर्फ मेरे नबी का शान है और किसी का शान नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम उम्मी हैं। आज के दौर में अगर कोई पढ़ना ना जानता हो वो रहमान वेले और ज्यादा एतमाद वाला बंदा तलाश करता है। जिसको पढ़ना आता है तो वो तो कहता है ठीक है लिखो फिर मुझे दिखा दो, लेकिन जिसको पढ़ना नहीं आता वो तो और भी ज्यादा जिगरी दोस्त को और भी ज्यादा गरीबी को तलाश करता है। क्योंकि पढ़ना तो आएगा नहीं, अब लिखवाना है तमाम की बुनियाद पर, अब लिखवाना है मोहब्बत की बुनियाद पर, अब लिखवाना है ताल्लुक की बुनियाद पर। आओ ना जरा, अगर गोजरा में बैठ कर कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खत लिखवाए, लिखा है कान पर कलम रखते थे।
ਕਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਪਵੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵਿਆ ਕਲਮ ਪਰ ਕਲਮ ਰੱਖਦੇ ਥੇ ਕਿਸੀ ਨੇ ਪੁੱਛਾ ਮੁਆਵਿਆ ਇਹ ਕਲਮ ਪਰ ਕਲਮ ਕੈਸਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਆਵਿਆ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਰਸੂਲ ਮੁਝੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਪਰ ਬੁਲਾਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੁਝਸੇ ਕੁਰਾਨ ਲਿਖਵਾਨਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਬੁਲਾਏ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਲਿਖਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਆਵਿਆ ਇਤਨੀ ਵੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਮ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ یہ تو قرآن کی بات ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبا واقعہ مختصرا اشارہ دیتا چلو حضور علیہ السلام کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے غسان کا شہزادہ آیا اور حضور سے کہتا ہے میں آپ کے لیے کچھ تحائف لے کے آیا ہوں ہیں شہر سے ذرا باہر اپنے کسی غلام کو بھیجے جو میرے ساتھ آئے اور وہ تحفے لے کر آپ کو دے دے حضور نے حضرت معاویہ کو روانہ کیا شہزادہ نکلا پیچھے حضرت معاویہ بھی چلے گئے اب راستے میں گرمی اور معاویہ کے پیروں میں جوتا بھی نہیں تھا اس شہزادے کو مخاطب کر کے کہا اگر اجازت ہو تو میں تیری سواری کے ساتھ بیٹھ جاؤں اس نے کہا یہ شاہی سواری ہے تو محمد کا غلام میرے ساتھ سوار نہیں ہو سکتا کہا اگر اجازت ہو تو تیری سواری کے سائے میں چلتا رہوں کہا یہ شاہی سواری ہے تو میری سواری کے سائے میں چلنے کے لائق نہیں کہا کوئی بات نہیں طائف تک پہنچے طائف لیے حضور کے پاس سند عطا فرمائے آج لوگ ایک بات
खुद कोई बंदा किसी को मुसलमान को काफिर कहे तो वो खुद काफिर हो जाता है। अगर कोई मुसलमान को काफिर कहे, काफिर कहने वाला काफिर हो जाता है। जिस मुसलमान को उसने काफिर कहा, इसके पास अपने ईमान की सनद मौजूद है, इसके पास अपने ईमान का कोई सर्टिफिकेट मौजूद है। आम मुसलमान जिसके पास सनद मौजूद नहीं, सर्टिफिकेट मौजूद नहीं, इस आम मुसलमान को अगर कोई काफिर कहे तो काफिर कहने वाला खुद काफिर हो जाता है। अबू बकर सिद्दीक के ईमान पर तो कुरान की सनद मौजूद है, अबू बकर के ईमान पर तो कुरान की आयत मौजूद है, अबू बकर के ईमान पर तो कुरान मजीद का ठप्पा और सनद मौजूद है। ये तो मुकद्दर की बात है। लोग मानते हैं तो कहते जी 5,000 का नोट तस्ली है, क्यों कहते हो दुकानदार दे कोल नीले जे रंग दी लाइट नहीं होती, वो जी मैं वो ते चेक करवाया तो ठीक है। अच्छा किसी वेले कहते ने ए सोना बिल्कुल 22 कैरेट, क्यों गोजरे दे फलाने सुनियारे ने मोर लाई है, उन्हें अपने लेटर पैड पे दस्तखत किए ने, ये 22 कैरेट का सोना असली, ये 5,000 का नोट असली। मुकद्दर की बात है, 5,000 के असली नोट पर ठप्पा गवर्नर स्टेट बैंक में लगा तो मान गए, 22 कैरेट के सोने की टिकिया पर ठप्पा और दस्तखत गोजरे के सुनार के लगे तो मान गए। अबू बकर सिद्दीक पर ठप्पा गवर्नर स्टेट बैंक का नहीं, अल्लाह के कुरान का लगा, अल्लाह के कुरान ने ठप्पा लगा है। दुनिया के ठप्पे मिट सकते हैं, रब का छापे हो या मिट सकता बोलो नहीं, रब का छापा हुआ मिट नहीं सकता। और दुनिया वालों को मुगालते भी होते रहते हैं, दुनिया वालों को भुलेखे भी लगते रहते हैं, बहुत मरतबा दुनिया वाले भूल जाते हैं। भूलण की आज के दौर के जी मिसाल है, देश को मैंने लंबी कभी परसों से ही जड़े बंदे कहते सी तब्दीली की महंगाई का मजा चुक लिया, परसों से ही जड़े बंदे कहते सी इमरान खान के दौर में करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए, आज जब हवा चली वो कहते हम आजादी की जंग में उसके साथ हैं। और परसों पता नहीं कितने हो गए, और बाद में फिर ऐसे सियासतदान किताब लिखते हैं और उस किताब में लिखते हैं फलाम में मुखलिस नहीं था मुझे पता नहीं चला, फलाम में मुखलिस नहीं था मुझे पता नहीं चला, फला ने भी ये किया फला ने भी वो किया। लेकिन जब कुरान मोहम्मद के सहाबा की बात करता है ना तो सिर्फ जाहिर की बात नहीं करता, हुजूर के सहाबा की बात है, बातिन को बताने वाला भी कुरान है, जाहिर को बताने वाला भी कुरान बेशक। सहाबा के दिलों में कुरान कहता है तकवा, सहाबा के जाहिर में कुरान कहते हैं सजदों के निशान, सहाबा फख्र व फाके में मोहम्मद के साथ, सहाबा मक्का के हो मदीना के हो दर्जे अपनी जगह, लेकिन कुरान कहते हैं कुल्ल वादल्लाहुल हुस्ना, जन्नत हमने सब सहाबा को दी। इस आयत करीमा ने सारे सहाबा को जन्नती करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन निकाल दे, मैंने कब बात मुकद्दर की है, इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन निकाल दे, एमएलए मान लेते हो, एमपीए मान लेते हो, कुरान मजीद ने सब सहाबा जन्नती हैं, इनका नोटिफिकेशन निकाल दिया। तो हजरात सहाबा इकराम ने अव्वल अव्वल कुरान मजीद हुजूर की जबान से सुना। आप में से उम्रा किस किसने किया, हाथ खड़ा करे माशाल्लाह, हाजी हाजी किन्ने बैठे ने, हाजी हाथ खड़ा करे माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा केड़े केड़े उम्रे ते जाना चाहते ने हाथ खड़ा करे, सारे जाना चाहते हो इंशाल्लाह माशाल्लाह। और हमारे इकराम मेरे दाएं बाएं स्टेज पर मौजूद है, मैं तो एक बार निकाल कर लेता हूँ। अगर कभी किसी को उम्रा जाने का इरादा हो और पैसे जेब में ना हो लेकिन बैनर पर ये लिख दिया जाए
उमरा करें फलां आलिम के साथ, उमरा करें फलां पीर साहब के साथ, उमरा करें फलां अल्लाह वाले के साथ। गोजरे के बंदे कहते ने पैसे मेरे को कोई नहीं लेकिन मेरे पीर साहब जा रहे ने, ये मौके किहड़ा फेर लगने ने, लिहाजा मैनू दो ना 2 लाख रुपया उधार तो मैं पीर साहब नाल जा के उमरा कर। ऐसा होता है या नहीं होता? भाई पीर साहब के साथ उमरे पे जाने का खतरा क्यों ले रहे हो? कहते जब पीर साहब जाएंगे ना तो बताएंगे यहाँ ये सुन्नत अमल है, यहाँ ये सुन्नत अमल है, यहाँ ये सुन्नत अमल है, यहाँ ये सुन्नत अमल है। ये वहाँ पे उमरे पे गया, सफा मरवा पे रहा, मिना में रहा, हज में गया तो मुज़दलिफा में रहा, तो अरफात में रहा, जब वापस आया तो कहता है उमरे तो बड़े कीते ने, हज तो बड़े कीते ने, लेकिन जो पीर साहब के नाल गए हैं ना, मौलाना साहब के नाल गए हैं, चस आ गई जगह जगह पर उन्होंने दसिया ए अल्लाह के रसूल की सुन्नत, ए अल्लाह के रसूल की सुन्नत, बस ईमान नालों नाल ताज़ा होता रहा। वो मैं क्या गोजरे वाले आ जरा सोच तो सही, तू पीर साहब के नाल उमरा करे तू खुश नसीब है, अबू बकर सिद्दीक मुहम्मद के नाल हज पिया पड़ता है। 1400 साल के बाद हमें तो हमारे आलिम ने बताया, मुस्तफ़ा करीम ने यहाँ पर ये अमल किया था। सहाबा वो लोग हैं जिन्होंने वो अमल सुना नहीं बल्कि मुस्तफ़ा को करते हुए देखा है। हमें तो 1400 साल के बाद ये बताया, पाक पैगंबर ने एहराम ऐसे पहना था, हमने 1400 साल के बाद सुना, सहाबा ने सुना नहीं बल्कि सहाबा इकराम ने उस तरह से एहराम की चादरों में मेरे मदनी आका को देखा था। आज लाहौर की बादशाही मस्जिद में इमाम काबा आ जाए मगरिब की नमाज की इमामत के लिए, गोजरा टोपा जंग के लोग पीछे खड़े हो जाए कि इमाम काबा की तिलावत सुने, हरम की यादों को ताजा करें। एक तेरा नसीब है, मेरा नसीब है, शेख सुदैस की जबान से कुरान सुनता हूँ, एक हबशे के काले बिलाल का नसीब है, मुसल्ले पे आमिना का नाम कुरान पढ़ता है, पीछे हबशे का काला बिलाल सिवा। एक मैं हूं जो कुरान पढ़ता हूं और एक कुरान है जो सहाबा को हमें बताता है। हमारे दिल में सहाबा हैं और कुरान के दिल में सहाबा है। हम कुरान मजीद में देखें तो सहाबा, मुस्तफा के साथ देखें तो सहाबा, कुरान लिखने वाले देखें तो सहाबा, तिलावत करने वाले देखें तो सहाबा। और एक सहाबी रसूल ऐसे भी हैं कुरान की तिलावत कर रहे हैं और मेरे आका मदनी सुन रहे हैं। ऐसा सुना, ऐसा सुना, ऐसा सुना, पाक पैगंबर ने फरमाया अगर तू तिलावत करता रहता तेरी तिलावत को सुनकर जो अंशों से उतरने वाले फरिश्ते थे उन फरिश्तों को सारा मदीना दे। गल सहाबा ने वो करते ने जिन्हें गल मां ध्यान नहीं सुनती, करते उन्होंने जिन्हों का कुरान मुस्तफा ध्यान में सुनते। कुरान मजीद 2 गत्तों में बंद, ये 2 गत्तों में बंद कुरान मजीद है। इस 2 गत्तों में बंद कुरान मजीद पर जिस जिसको एतमाद है वो हाथ खड़ा करें, सबको एतमाद है। कुरान मजीद 2 गत्तों में बंद हो, अभी कुरान मजीद बंद है, 2 गत्तों के दरमियान में है, मैंने इसको खोला नहीं है। इस बंद कुरान पर जिसको एतमाद है उसको अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक उस्मान गनी पर एतमाद करना पड़ेगा। आप कहेंगे जी वो कैसे, बंद कुरान से अबू बकर, बंद कुरान से उमर और उस्मान, इनकी इज्जत का एहतराम लाजिम कैसे आता है? जाए उलमा से पूछे, हुजूर दुनिया से गए तो कुरान मजीद की ये शक्ल नहीं, कुरान पत्तों पे लिखा हुआ, कुरान खाल पे लिखा हुआ, कुरान ऊंट की हड्डी पे लिखा हुआ। हुजूर के जाने के बाद हजरत उमर ने दरख्वास्त की हजरत अबू बकर से कि कुरान मजीद को इकट्ठा कर ले। अबू बकर ने जवाब दिया जो काम मुस्तफा आका ने नहीं किया मैं कैसे कर सकता हूँ। अबू बकर सिद्दीक से दोबारा हजरत उमर फारूक ने अर्ज की अगर आप इकट्ठा करें तो इसमें हर्ज भी कोई नहीं,
چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں قرآن مجید کو جمع کیا جانے لگا، حضرت عمر کے زمانے میں اس پہ کام ہوتا رہا، حضرت عثمان کے زمانے میں صحیفہ عثمانی کو پوری دنیا میں پھیلایا گیا اور باقی نسخوں کو روک دیا گیا۔ قرآن مجید دو گردوں میں بند رکھا ہوا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ابو بکر سچا ہے، دو گردوں میں بند قرآن مجید رکھا ہوا اس بات کی گواہی دے رہا ہے عمر پر اعتماد کرنا پڑے گا، دو گردوں میں بند قرآن مجید اس بات کی گواہی دے رہا ہے عثمان غنی کے دور میں پورے دنیا میں قرآن مجید کے نسخے پھیلائے گئے، عثمان غنی پر اعتماد کرنا پڑے گا۔ آج قرآن مجید جس طرح محفوظ ہے اسی طرح قرآن مجید میں حضور کے صحابہ محفوظ ہیں، قیامت کی صبح تک قرآن ابھی باقی رہے گا، صحابہ کی عزت و عظمت کا ڈنڈا بھی بجتا رہے گا۔ یہ کوئی بے نظیر کی بات ہے جو جانے سے ختم ہو جائے گی؟ یہ کوئی ضیاء الحق کی بات ہے جو جانے سے ختم ہو جائے گی؟ یہ کوئی پرویز مشرف اور جنرل پاشا کی بات ہے جو ختم ہو جائے گی؟ یہ کوئی باجوہ کی بات ہے جو ختم ہو جائے گی؟ یہ جبرائیل لے کے آیا ہے، یہ حضور کے دل پہ آیا ہے، آج بھی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح 1400 سال پہلے آیا تھا۔ عقیدہ ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ۔ اب اس سے اگلی بات، قرآن مجید تو دلوں میں انقلاب برپا کرنے والی کتاب ہے، دکھ کے ساتھ خوشی کے ساتھ کہ قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دنیا کی کتاب ہے، لیکن غور اور فکر کی بات، بغیر سمجھے پڑھی جانے والی کتاب۔ میں یہاں مجمع میں ہاتھ کھڑا نہیں کروانا چاہتا، لیکن مجھے اندازہ ہے آپ سب کو یہ تو پتا ہے نا کہ گوجرے سے موٹر وے پر کون سی سڑک جاتی ہے، پتا ہے نا؟ اگر نہ پتا ہو اور آپ کسی کی گاڑی میں بیٹھ جائیں اور وہ موٹر وے کے مخالف سمت والی روڈ پر گاڑی چڑھا دے، آپ تو اعتماد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں روڈ دوسری ہے، پہنچ جائیں گے۔ آپ کو اگر پتا ہوگا پھر وہ غلط راستے پر چلائے گا تو آپ کہیں گے حاجی صاحب ذرا ٹھہرو یا موڑو موٹر وے دوے پاس۔ آپ کو اگر راستے کا پتہ ہوگا تو آپ مالک صاحب بھی گاڑی چلا رہے ہوں گے تو کہیں گے ابا جی ذرا ٹھہرو رات دوے پاس۔ لیکن اگر پتہ نہیں ہوگا، شیخ الحدیث کو دور کی بات ہے، بچہ بھی بٹھا کے غلط لے جائے گا تو خاموش رہے گی، ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور موٹر وے پر ہی لے کے جاتے ہیں۔ افسوس صد افسوس، آج تک ایسا بندہ تو مجھے نہیں ملا جو کہتا ہوں میں ڈاکٹری دیا ساری کتاباں پڑھ لیا نے، ہوں میں بازار کے دکان کھول لیے، لہذا بندے آتے ہیں میرے تو دوائی لے جاتے ہیں، جی ڈاکٹری دیا کتاباں پڑھ کے کوئی دوائی دے رہے بھی صحیح تو اتائی ڈاکٹروں کے خلاف گورنمنٹ اپریشن کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ کرتی یا نہیں کرتی؟ کرتی۔ لیکن دوسری طرف اپنی معلومات کی بنیاد پر فتوے دینے والوں کی تعداد بڑی زیادہ ہے، اساتذہ اکرام کے قدموں میں بیٹھ کر نہ پڑھا نہ سنا نہ اس مسئلے کو سمجھا، عطائی ڈاکٹر اور یہ عطائی مولوی بازار میں بیٹھ کر لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں جس نے صحت کے ساتھ کھیلا اس کے لیے تو قانون موجود ہے، جس نے ایمان کے ساتھ کھیلا اس کے لیے پاکستان میں قانون بھی موجود نہیں۔
और कुरान मजीद पता है ऐसों के बारे में क्या कहता है, वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, दीन से गुमराह करने वाले में कत्ल से बड़ा जुर्म किया है। और ये कत्ल से बड़े जुर्म करने वाले कलमे के नाम पर बनने वाले मुल्क में जा बजा मौजूद है। इसलिए जरूरी है अपने बच्चों को कुरान मजीद का आलिम बनाए। मैं एक जगह पर बैठा हुआ था, पिछले दिनों में मैं यूरोप में था, तो पेरिस में एक जगह पर हम बैठे हुए, वहां पर बहुत से पाकिस्तानी भी थे जो एक अरसे से फ्रांस में रहते हैं, और वहां कुछ दीगर मुल्कों के लोग भी थे। बात शुरू हो गई, काफी देर तक वो कहते रहे कि ये जो मौलाना लोग हैं इनमें ये कमजोरियां हैं, ये कमजोरियां हैं, ये कमजोरियां हैं, ये कमजोरियां हैं। जब मुझे महसूस हुआ कि इन्होंने इस बात के अलावा और भी कई बातें कर ली, अब इनका ध्यान उस तरफ से हट गया होगा, तो मैंने उनसे पूछना शुरू किया, माशाल्लाह आपका बेटा क्या करता है? किसी ने कहा डॉक्टर बन रहा है, किसी ने कहा इंजीनियर बन रहा है, किसी ने कहा पायलट बन रहा है, किसी ने कहा अच्छा कारोबार कर रहा है। जब सबकी बात मुकम्मल हो गई, मैंने कहा भाई किसी का बच्चा आलिम भी बन रहा है, किसी का बच्चा हाफिज भी बन रहा है? कहते नहीं, हाफिज और आलिम तो नहीं बन रहा। मैंने कहा पायलट अगर आपका बच्चा ना बने तो पायलट पहले भी काफी अच्छे मौजूद हैं। आपका बच्चा अगर साइंसदान ना बने तो मैं ये नहीं कहता कि ना बने, जरूर बने, लेकिन पहले भी अच्छे साइंसदान मौजूद हैं। इंजीनियर बने लेकिन पहले भी अच्छे इंजीनियर मौजूद हैं। आपने थोड़ी देर पहले खुद कहा अच्छे आलिम मौजूद नहीं है, आपने थोड़ी देर पहले खुद कहा अच्छे हाफिज मौजूद नहीं है, तो हद नहीं हो गई? अच्छे इंजीनियर मौजूद हैं और बना रहे हो, अच्छे साइंसदान मौजूद हैं और बना रहे हो। आप खुद मानते हो अच्छे आलिम मौजूद नहीं, लेकिन अपने बच्चों में आप किसी को बनाने के लिए भी तैयार नहीं। कहते हाँ ये बात तो ठीक है। मैंने कहा अगर तो अपने बच्चों को आलिम बनाओ तो ये जरूरी है, अगर नहीं बनाते फिर लेना दे गुजारा करो, फिर होता कोई नहीं, फिर इन्हें से गुजारा करो। तो मैं आप में इस कुरान मजीद की महफिल में तशरीफ लाने वाले बुजुर्गों, जवानों, अपने भाइयों से ही कहना चाहता हूं, आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, पायलट बनाएं, लेकिन उसको कुरान मजीद का आलिम जरूर बनाएं। आपके बेटे से ज्यादा अच्छा पायलट अंग्रेज हो सकता है, आपके बेटे से अच्छा इंजीनियर अंग्रेज भी हो सकता है। हमारे इंजीनियर बेटे की तो खूबसूरती ये होगी कि वो कुरान का आलिम भी होगा और इंजीनियर भी होगा। अगर अकेला इंजीनियर बनाना है वो तो गैर मुस्लिमों के हमसे बेहतर है, अकेला डॉक्टर ही बनाना है तो वो तो उनके हमसे बेहतर है। हमारी तो शान ये है हमारा बच्चा साइंसदान भी हो और मोहम्मद अरबी का गुलाम भी हो, और ऐसा साइंसदान ही पाकिस्तान की तरक्की का जरिया बन सकता है, ऐसा डॉक्टर ही पाकिस्तान की तरक्की का जरिया बन सकता है, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का जरिया बन सकता है। जिसने आज से ये ख्वाब सोचना शुरू किया हो कि मुझे किसी इंडियन कंपनी में भी अच्छी नौकरी मिल गई तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, उसका फिर पाकिस्तान से, पाकिस्तान के नजरियात से तो ताल्लुक नहीं रहता। उसका मजहब सिर्फ पैसा है, उसका मजहब सिर्फ सरमाया कमाना है। तो मैं आप में बैठे हुए उन लोगों से ये इरादा लेना चाहता हूँ जो कहते हैं मौलाना साहब इंशाल्लाह अपने बेटे को हाफिज आलिम बनाएंगे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये डिग्री भी होगी, लेकिन इंशाल्लाह वो हाफिज भी बनेगा, आलिम भी बनेगा। हाथ खड़ा करके कुरान मजीद के मदरसों के साथ वाबस्ता रहोगे, कुरान मजीद के उलूम को सीखेंगे, समझेंगे, ये तो बात होगी बच्चों के लिए। ये जो बड़े हैं ये बड़े भी बहुत ही बड़े ने, ये पता है किन्ने बड़े ने, इन्ने बड़े ने कि जे इन्हें कहो ना कि कुरान पाक का तर्जमा, फौरन कहेंगे पाल जी हूं उम्र नाम गई, हूं उम्र नाम गई, हूं कितने होना, हूं उम्र नाम गई, हूं नहीं पढ़िया जाता। ये जी नंगी हुई उम्र है ना, इनू कहो कि फलाने मॉल पर तुहाडे वर्गे इमानदार बंदे की जरूरत है, तो महीने की तनखा है 5 लाख, कभी नहीं कहेगा उम्र लागू, कभी भी नहीं कहेगा उम्र लागू।
इसको कहो कि जनाब 10 लाख रुपया तनख्वाह, चाइनीज जबान सीखनी है, सी पैक की नौकरी है। ये कभी भी नहीं कहेगा उम्र ना, नहीं कहेगा मैं चाइनीज जबान सिखाओ, 10 लाख रुपया घर आना चाहिए। लेकिन जे कुरान सिखाने की गल करो तो कहेगा उम्र लग गई। मसला ये है, और मुसलमानों की कमजोरी की पूरी दुनिया में वजह भी ये है, हमने कुरान को इसलिए नहीं पढ़ा कि इसके पढ़ने से दुनिया का पैसा नहीं देता। हमने चाइनीज जबान इसलिए सीख ली उसमें पैसा है, अंग्रेजी जबान इसलिए सीखी उसमें पैसा है, और सिर्फ कुरान मजीद में इस्तेमाल होने वाली जो अरबी है अगर सिर्फ उसको भी सीखा जाए तो सिर्फ 2 महीने लगते हैं, सिर्फ 3 महीने लगते हैं। अंग्रेजी सीख ली, चाइनीज सीख ली, फ्रेंच सीख ली, अरबी को नहीं सीखा, क्योंकि इसके सीखने से कौन सा पैसे मिलते हैं? तो मेरे भाई, इसके सीखने से रब का कुरान समझ में आ जाए, इससे बड़ी बात और कौन सी हो सकती है? अदालती फैसला आता ना अंग्रेजी के बीच, तो बंदे टूरे होते ने किसी पढ़े लिखे तो पढ़ा रहा हूं अंग्रेजी में, कोई ऑर्डर आ जाए प्रोफेसर के मुँह तो रात ही पहुंचे हुए होते हैं, प्रोफेसर वो दसो की लिखे अंग्रेजी के बीच लिखे। 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 50 साल हो गए, घर की अलमारी के बीच अरबी च लिखिया कुरान पे है, पर ईमान है कि अल्लाह का कलाम है। अज तक किसी मौलवी के कोल गए भी गया पढ़ के दस्यो जी बेच की लिखे। एक खत हकूमत का आ जाए तो रात 11:30 बजे प्रोफेसर साहब डॉक्टर साहब जगा लेना, पहले जरा दसिया जी, और अल्लाह का कुरान हमारे नाम पर हुजूर के जरिए से आने वाला खत है, उसको पढ़ाने के लिए समझने के लिए अगर आज तक टाइम नहीं निकाला तो हमें फिर देखना चाहिए हम किस दर्जे के मुसलमान हैं। तो कुरान मजीद जो बड़ी उम्र के लोग हैं ये भी कुरान मजीद समझने के लिए टाइम निकालेंगे इंशाअल्लाह। तो माशाल्लाह रमजान आ रहा है, इस रमजान में रोजाना अपने आलिम के पास, इमाम साहब के पास बैठ के कह दी दर्श कुरान दो, मैं कुरान मजीद खोल के सुनता, तर्जमे वाला कुरान ले लें और पढ़ते चले जाएं, और कोशिश करें रमजान के रमजान मुबारक में साबित हो जाएं कि आने वाले रमजान को इमाम मुसल्ले पे खड़ा होकर कुरान ने तरावी सुनाए, आपको पीछे पता हो कि ये पढ़ क्या रहा है। जब समझेगा ना तो फिर उसको तरावी लंबी भी नहीं लगेगी। ये जो तो बगैर समझे सुनते रहे ना तो फिर कहो इमाम साहब एडिया लंबिया तरावियां पढ़ा दी, मेरिया तो लत्त को खड़ोल पाए, फिर उन्होंने परेशानी हो जाती। क्यों? वजह यह है कि उनको खड़ा होना समझ आ रहा है, कुरान तो समझ ही नहीं आ रहा, तो कुरान मजीद समझेंगे इंशाअल्लाह। आखिरी गल जी थोड़े सारे वास्ते, आपके इलम में होगा पाकिस्तान की 75 साल तारीख में सहाबाए किराम अहले बैत इस्लाम की गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ इस मुल्क में कानून ये था कि जो सहाबा अहले बैत की गुस्ताखी करेगा उसको सिर्फ 3 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा, और अगर कोई घोजना में किसी औरत को धक्का दे तो धक्का देने वाले को 14 साल जेल जाना पड़ेगा। घोजना की बेटी के लिए कानून 14 साल का, नबी की बेटी की इज्जत के लिए कानून सिर्फ 3 साल का। मौलाना अब्दुल अकबर चित्रानी ने कौमी असम्बली में यह बिल पेश किया, जो सहाबा अहले बैत की गुस्ताखी करे उसको सजा 3 साल नहीं बल्कि सारी उम्र उसको जेल में होना चाहिए, और वो बिल कौमी असम्बली से पास हो गया। अब अगले मरहले में वो बिल सेनेट पे जाएगा। आप चाहते हैं जो सहाबा की गुस्ताखी करे उसके लिए उम्र कैद का कानून बन गया? आप चाहते हैं जो अहले बैत की गुस्ताखी करे उसके लिए उम्र कैद का कानून बने? सेनेट में ये पास होने के लिए जा रहा है, इंशाअल्लाह ये सेनेट से पास होगा इंशाअल्लाह। मैं उस शाह के मुस्तफा और उस शाह के सहाबा से पूछना चाहता हूँ, ये बिल इस मुल्क से फिरकावारियत के खात्मे का बिल है, ये बिल पाकिस्तान में कयाम अमन की जमानत है, इस बिल से पाकिस्तान में फिरकावारा फसादात का खात्मा होगा, और इस बिल के रास्ते में रुकावटें डालने वाले लोग पाकिस्तान में अमन नहीं चाहते, पाकिस्तान को फिरकावारा फसादात से निकलता हुआ देखना नहीं चाहते। मैं गोजरा के गयूर मुसलमानों से पूछता हूँ, इस बिल के रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए
रमजान हो या गैर रमजान हो, आपको इस्लामाबाद बुलाया गया तो आने के लिए तैयार रहिए। आपको जब कॉल दी गई सिद्दीक अकबर की इज्जत के कानून के लिए लब्बैक कहेंगे इंशाल्लाह। और रमजान मुबारक की अपनी खास दुआओं में भी इस बिल के हवाले से शामिल रखें। अल्लाह ताला इस मुल्क को तरक्की दे, अमन दे, इस्तेहकाम दे, और पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के इस बिल को अल्लाह कानून बना दे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।